आगरा में दिल दहलाने वाला हादसा। ओम श्री ग्रीन फोम्स फेस कॉलोनी में रात्रि 1 बजे गिर गई पानी की टंकी। टंकी के बराबर में बना दुर्गा माता का मंदिर हुआ बुरी तरह क्षतिग्रस्त। कृष्ण कुमार के मकान की दीवारें और 2 साइकिल, 1 बैटरी वाली स्कूटी टूटी। हरीश भारद्वाज की 1 मोटरसाइकिल, 1 एक्टिवा अल्ट्रोज कार के साथ साथ मकान भी क्षतिग्रस्त। थोड़ी देर पहले तक उसी ग्राउंड में जन्मदिन के उपलक्ष्य में चला था भंडारा। ओम श्री इंफ्राबिल्ड कंपनी के मालिक बिल्डर देवेश शुक्ला ने बनाई थी कॉलोनी। बोलो, ये रात हमारी कॉलोनी में ओम श्री ग्रीन होम फेस वन में ये टंकी गिरी है, और ये देखो ये बिल्डर की लापरवाही, ये कैसा मटेरियल लगाया, ये सरिया लगी है इसमें, ये ऐसी सरिया लगाई है बिल्डर ने। ये बताओ अब बिल्डर क्या लोगों की जान से खेल रहा है ये? ये तो ये देखिए कि कोई जनहानि नहीं हुई। और कल यहाँ सुंदरकांड का आयोजन हो रहा था, रात में 11 बजे तक उसका प्रसाद वितरण किया है हम लोगों ने। उसके बाद में 12:55 पर जब हम लोग अंदर चले गए हैं, उसके बाद में हादसा हुआ है। और मेन बात है इसके सरिये देखिए, जो टंकी 2009 में बनी है, 2009 में बनी है, वो टंकी इतनी जल्दी कैसे गिर सकती है? यदि उसका मटेरियल ही खराब है तो टंकी कैसे रुक सकती थी? और टंकी का कोई टाइम भी तो होगा, 10-15 साल भी नहीं हुए, ये सरिया लगी है। ये देखो ये सरिया की हालत। क्या नाम है आपका? आंचल शर्मा। आंचल जी ये बताइए, ये टंकी कितने बजे रात को गिरी है और क्या हादसा होने से बचा है? देखिए सर, मेरा उधर कॉर्नर में घर है, 12:55 पे मेरा डॉग इतनी तेज भौंका है, इतनी तेज भौंका है कि मुझे समझ में नहीं आता। मेरे साथ 2 बेटियां रहती हैं, वो पढ़ रही थी, एक छोटी बड़ी वाली सोई थी। मेरे डॉग से मैं हर चीज को वाच करती हूँ। मैंने सोचा पता नहीं कोई बाहर का आया होगा या कोई अजनबी हो, मैंने खड़े होकर देखा भी लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा मैं गार्ड को फोन करती हूँ, गार्ड का फोन भी नहीं मिला। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद में 1:10 और 15 मिनट के बीच में गार्ड उधर से जाते हैं, तो मैंने पूछा क्या बात हो गई भैया? उन्होंने कहा कि वो टंकी गिर गई। टंकी गिर गई मतलब कि वो बड़ी वाली टंकी गिर गई। बड़ी वाली टंकी गिरने का मतलब है कि जमीन मतलब पैरों के नीचे से जमीन खिसकना, कि ये हमने तो पहली बार देखा है कि 2009 की टंकी बनी हुई और इतनी जल्दी गिर गई। आप ये देखें, हम 11 बजे यहाँ से गए हैं, कल सुंदरकांड का आयोजन था। ये हरीश भैया है जिनका ज्यादा नुकसान हुआ है, उन्हीं का ज्यादा नुकसान हुआ है। ये फैमिलियां हैं, ये तो देखिए कि पीछे रूम में सो रही थी, नहीं सुबह सामान की जगह इनकी डेड बॉडीयां निकलती। तो 11 बजे के से हम लोग सब गए हैं, 11 के बाद में 12:55 पर इसकी वो चरमराहट की आवाज आई। अब डोगी तो आप जानते हो सबसे ज्यादा कान वाला, सबसे ज्यादा नाक वाला होता है। डोगियों में भगदड़ मच गई, मेरा डोगी भी अंदर से एकदम से भगदड़ मची। तो मैंने देखा कि आखिर है क्या बात, समझ में नहीं आई। जब समझ में आई तब तक तो सर जमीन इसमें कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं कॉलोनी के? देखिए एक तो ये सामने ये रहा, आप देखिए इनके तो ये छोटे बच्चे भी हैं, एक बच्चा तो वो ही खड़ा है। फैमिली अभी बेटी है 3-4 महीने की, वो तो पीछे सो रहे थे, इसे बच गए, इसे चकत में बाउंड्री अंदर चली गई है। अंदर से बाहर ये भी बताया जा रहा है यहाँ दुर्गा माता का मंदिर था, वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया। जड़ से पार्क देखिए आप, पार्क देखिए लगाना भरा है। पेड़ों के देखिए आप, पेड़ों को भी, पेड़ भी क्षतिग्रस्त हुए। इससे जब पेड़ ही नहीं बच पाए तो हम तो नश्वर शरीर है, आप इंसान है, आप देखिए घर मनुष्य बस एक ये है कि वो सुंदरकांड का आयोजन था, तो वो भगवान जी की कृपा से कोई जनहानि नहीं। अब आगे के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो बिल्डर के खिलाफ? आगे के लिए हम ये कहते हैं कि जो हमें चाहिए सर, जल ही जीवन है,
हम जल की वजह से यहाँ एडीए में आए, नहीं तो हम कहीं भी प्राइवेट कॉलोनी में भी रह सकते थे। लेकिन यदि इसमें भी ये कमी है, एडीए और बिल्डर मिलके अपना आपस में क्या उनका खिचड़ी थी क्या नहीं थी हमें पता नहीं है। हम तो अभी आए हैं, जो हमें ये हमें जो घाटा हुआ है प्लस जल डेली की हमारी आवश्यकता है, या तो इसको बनवाएं और आगे जो स्टेप लिया जाएगा सर फिर वो तो आप जानते हो उसी से। नहीं, जैसे यहाँ इतना बड़ा हादसा होने से बचा है तो आप लोग बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, कार्रवाई करेंगे ना। पहले तो देखिए रात में हमने पुलिस वालों को भी बुलवाया था, उन्होंने भी ये कहा आप थाने में जाइए, पहले हम मीडिया से भी बात करते हैं, जो रास्ते हैं उन तक भी जाएगी ये बात, यदि वहाँ तक बात पहुँच जाती है और उससे पहले वो हमें फोन करके आश्वासन दे देते हैं या कार्रवाई शुरू कर देते हैं तो हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं तो सर आप जानते हैं वो तो फिर आर पार की लड़ाई होगी।